आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज, मेजरमेंट चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज करेंगे। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दे रहा हूँ, तो उसकी एक्सरसाइज हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। किलोमीटर क्यूबिट इज ए नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की नॉन स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? दैट इज क्यूबिट, है ना? तो यहाँ पर क्यूबिट लिख देना है, ठीक है? यहाँ पर क्यूबिट लिख देना है आपको। ये साफ साफ नहीं लिख के आ रहा है, ठीक। सेकंड वाले में द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर इज कॉल्ड। एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? लेंथ या मास? डिस्टेंस को लेंथ से नापते हैं, तो यहां पर आप लेंथ लिख देंगे, ठीक है। द लेंथ ऑफ द आउट स्ट्रेच आर्म इज कॉल्ड। आउट स्ट्रेच्ड आर्म की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? क्यूबिट या फैथम? गुड, उसको फैथम कहते हैं, यहां पर फैथम लिख देना है। फोर्थ में आएगा क्या? इज यूज टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास को किसमें नापते हैं, मीटर में या ग्राम में? मास को नापते हैं ग्राम में, है ना? यहाँ पे ग्राम आ जाएगा। और फिफ्थ वाले में किलोलीटर लीटर यूज टू मेजर लार्जर कैपेसिटीज लाइक दैट ऑफ अ बिग टैंक ऑफ वाटर। पानी की टंकी है, उसमें कितना पानी आता है उसको नापना है। लीटर्स नापोगे, किलोलीटर्स नापोगे? गुड, उसको नापेंगे किलोलीटर से, क्योंकि बड़ी यूनिट जो है वो किलोलीटर से ही नापी जाती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है, किलोग्राम इज यूज टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। किलोग्राम का यूज लिक्विड की क्वांटिटी मेजर करने के लिए करते हैं। भाई लिक्विड तो हम उसमें नापेंगे ना, लीटर में, किलोग्राम में थोड़ी नापेंगे। पहला वाला फॉल्स है। दूसरा, फैथम इज द लेंथ ऑफ आउट स्ट्रेच्ड आर्म्स, करेक्ट है। मीटर रूल इज यूज टू मेजर लेंथ। मीटर का यूज लेंथ नापने के लिए करते हैं, बिल्कुल सही है। थर्मामीटर से कैपेसिटी नापते हैं, गलत है। द यूनिट ऑफ टाइम कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम वन टू अनदर। टाइम की यूनिट को एक से दूसरे में चेंज नहीं कर सकते। ट्रू फॉल्स? अरे भाई कर सकते हैं, ये गलत दे रखा है इन्होंने, है ना, क्योंकि हम मीटर को मिनट को आवर में बदल सकते हैं, आवर को मिनट बदल सकते हैं, और मिनट को सेकंड में बदल सकते हैं, है ना। तो जो चाहें हम उसमें चेंज कर सकते हैं। अब ये मत सोचना कि मिनट को आवर में कैसे चेंज करेंगे, मिनट को आवर में चेंज कर सकते हैं बट वो डेसिमल में आएगा, है ना। आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शंस करेंगे अब हम। विच ऑफ द दीज वुड यू यूज टू मेजर शॉर्ट लेंथ। छोटी लेंथ को नापने के लिए क्या यूज करोगे? किलोमीटर, सेंटीमीटर, लीटर, किलोग्राम, दैट इज सेंटीमीटर शॉर्ट लेंथ के लिए, ठीक है ना। विच ऑफ दीज बीट शो हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट। सबसे भारी क्या है? 1 ग्राम, 200 ग्राम, 2000 ग्राम, 1 किलोग्राम। ग्राम से बड़ा किलोग्राम होता है, आपको पता है। यहाँ पर 1 किलोग्राम दे रखा है और यहाँ पर 2000 ग्राम दे रखा है, तो ध्यान रखो 2000 ग्राम में 2 किलोग्राम्स होते हैं और यहाँ 1 किलोग्राम है, तो हैवी क्या हुआ? बोलो, गुड, दैट इज 2000 ग्राम। अब ये मत सोचना कि ग्राम छोटा दे रखा है, किलोग्राम बड़ा है, तो किलोग्राम हैवी हुआ। यहाँ ये भी देखना है कि 2000 ग्राम दे रखा है, भाई 2000 ग्राम में 2 किलोग्राम हो गए तो ये बड़ा हुआ, है ना। Which of these would you use to measure the amount of juice of a glass contains? Juice रखा ग्लास में, उसको नापने के लिए क्या लोगे आप? रूलर लोगे, वेइंग स्केल लोगे, क्लॉक लोगे, मेजरिंग सिलेंडर लोगे? हम तो भाई मेजरिंग सिलेंडर उठा लेंगे सबसे पहले, है ना, दौड़ के। How many seconds are there in an hour? एक आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? सबको पता है एक घंटे में 60 सेकेंड्स होते हैं। नहीं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और सेकंड पूछा है घंटे में, तो 60 × 60 दैट इज 3600 सेकंड्स। गॉट इट? ओके, विच ऑफ दीज विल हेल्प यू टू मेजर हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। इनमें से कौन सा है जो बता पाएगा कि ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म? आवर ग्लास, थर्मामीटर, क्लॉक
या वेइंग स्केल। तो हॉट कोल्ड तो सिर्फ और सिर्फ थर्मामीटर ही बता पाएगा, समझ गए ना। ओके, अब इसमें देखते हैं, विच ऑफ दीज इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर। डिग्री फारेनहाइट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, गॉट इट। ओके, सेवेंथ वाले में विच ऑफ दीज यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन इज करेक्ट। इसमें करेक्ट क्या है, 100 सेंटीमीटर में 1000 mm, 1000 cm में मतलब 1000 cm में 100 मीटर दे रखा है, और सी में 1 किलोमीटर में 10 मीटर दे रखा है, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर दे रखा, सॉरी 100 मीटर में 1 किलोमीटर, ये भी गलत है। 1 किलोमीटर में 10 मीटर थोड़ी होते हैं, 1000 होते हैं। 1000 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 ही हुए, तो ये भी गलत है। यहाँ पर पहला वाला ही सही है, 100 सेंटीमीटर में 1000 mm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है और 100 में 1000 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ए वाला करेक्ट है। विच ऑफ दीज यूनिट ऑफ कन्वर्जन इज करेक्ट, 8 में कौन सा करेक्ट है, 100 मिलीग्राम में कितने ग्राम, 10 ग्राम करेक्ट है, 10 मिलीग्राम का 1 ग्राम होता है, 100 में 10 हो गए। बाकी तो ये भी गलत है, बी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। फर्स्ट वन इज करेक्ट, ओके, 10 मिलीग्राम 1 ग्राम और 100 मिलीग्राम 10 ग्राम, फर्स्ट वन इज करेक्ट, ओके। तो यहाँ पर हम मैचिंग कर लेते हैं, तो चलिए अब हम करते हैं 1000 मिलीलीटर्स, पहला है 1000 मिलीलीटर्स, तो 1000 मिलीलीटर के क्या हो जाएगा, 1 लीटर, तो यहाँ पर डी वाला सही है, इस पर 1 लिख देंगे। 1000 लीटर में कितना होता है, 1 किलोलीटर, यानी कि सी वाला करेक्ट है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। 1000 मिलीग्राम में 1 ग्राम, दैट इज फर्स्ट सही है, वहाँ पे 3 लिख देंगे। 1000 ग्राम में कितने क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम में, बी के आगे 4 लिख देंगे, और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो ये 5, 3, 4, 2, 1, 5, ये करेक्ट मैचिंग हो गई। आगे करते हैं, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग यूनिट यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ अ बुक। बुक की लेंथ किससे नापोगे आप, सेंटीमीटर से नापोगे और मिलीमीटर से नापोगे, ठीक है। यूनिट यूज टू मेजर द वेट ऑफ पोटैटो, पोटैटो किससे नापोगे, किलोग्राम में और ग्राम में नाप सकते हो। यूनिट यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ बॉटल, बॉटल में कितना वाटर किससे नापोगे, या तो लीटर में या फिर मिलीलीटर में, है ना। इसी तरह से यूनिट यूज टू मेजर द टाइम ऑफ रीचिंग स्कूल, स्कूल में पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो किससे नापोगे, या तो आप आवर्स में नापोगे या फिर मिनट्स में नापोगे, है ना। यूनिट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का टेम्परेचर नापना है तो डिग्री फॉरेनहाइट या डिग्री सेल्सियस। डिग्री फॉरेनहाइट को डिग्री एफ लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस को डिग्री सी भी लिखते हैं, ठीक है ना। आगे, गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द साइज और क्वांटिटी ऑफ समथिंग, इसका क्या होगा, इसको कहते हैं मेजरमेंट, ठीक है ना। दूसरा है फिक्स क्वांटिटी दैट इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, उसको क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ थंब एंड द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर ऑफ फुल्ली ओपन्ड पाम, दैट इज याद करो हैंड स्पॉन। द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर टू द एल्बो, मिडिल फिंगर से एल्बो तक की डिस्टेंस, दैट इज क्यूबिट। द लेंथ ऑफ आउट स्ट्रेच्ड आर्म्स को क्या कहते थे, दैट इज फैथम, ठीक है ना। ओके, अब एंशियंट टाइम्स में कौन कौन सी यूनिट्स दी जाती थी मेजर करने के लिए, याद है, हैंड स्पॉन, क्यूबिट, फैथम, ठीक। लेंथ के लिए क्या यूज करते थे हम, लेंथ का यूनिट क्या होगा, या तो मीटर होगा या किलोमीटर होगा। मास के लिए ग्राम, किलोग्राम। कैपेसिटी के लिए लीटर, किलोलीटर। टाइम के लिए मिनट, आवर, सेकंड्स, जो चाहे वो आप लिख सकते हो, आवर मिनट मैंने लिख दिया यहाँ पर। और टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फॉरेनहाइट में नापते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही,
आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।